अब कई बच्चे वो देख रहे होंगे जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं कि हम क्या करें। आप इन चीज़ों को अपने बिहेवियर में लेके आइए, आप एक अखबार डेली पढ़िए। ओके सर, और आपको क्या लगता है बिना आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के आरएस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। आंसर राइटिंग के बिना संभव नहीं है ना, आपको वहाँ चार परीक्षा चार पेपर लिखने हैं मुख्य परीक्षा के। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ हैं शिषपाल सिंह सर, इन्होंने आरएस 2021 में रैंक 44 सिक्योर की है, और ये इनका सर कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था, ओके। और सर राजस्थान के बीकानेर जिले से बिलोंग करते हैं। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक सर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। धन्यवाद आरजे मोहित मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं बीकानेर जिले की बज्जू तहसील से बिलोंग करता हूँ। बज्जू तहसील के सुदूर इलाके में चक सचिवापुरा में ढाणी है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। और उसके बाद से मैंने बेसिक स्कूलिंग बज्जू और बीकानेर में की, और उसके बाद मैं जयपुर आया और यहाँ मैंने बीटेक की है। ओके, और आपको अब कौन सी पोस्ट मिलने वाली है? मेरी 44वीं रैंक है जनरल में, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मेरे को डिप्टी एसपी यानी आरपीएस की पोस्ट मिल जाएगी। ओके, और अब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आरएस के अंदर सफलता अर्जित कर ली है, और आपकी रैंक भी काफ़ी अच्छी है, और आपको पोस्ट भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग होती है नेचुरली एस्पिरेंट्स के लिए। आप एक बेरोजगार से अचानक अच्छी सर्विस में आ जाते हैं, और इतनी प्रीमियम सर्विस होती है तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप ये मान के चल रहे होते हैं रिजल्ट से पहले कि सर्विस मिल जाए, अलाइड भी मिलेगी तो भी चलेगी, ऐसे एस्पिरेशन होते हैं, और अचानक से आपको रिजल्ट आए और 44वीं रैंक है एक बार, तो आपको अच्छा ही लगेगा। सो आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको रैंक वगैरह मिली है? मुझे उम्मीद से तो बेहतर ही मिली, मैं ऐसा ही कहूँगा। आपने क्या उम्मीद की थी? उम्मीद जनरली ये होता है कि रिजल्ट वाले दिन अधिकतर बच्चे जो सर्विस में नहीं है ऑलरेडी, वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके अंडर 400 रैंक आ जाए जनरल ओबीसी कैटेगरी में, ताकि हमें कोई ना कोई सर्विस एलोकेट हो जाए। जो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम दिए होते हैं, उनके एस्पिरेशन हमारे से बड़े होते हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में वो रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, सर्विस इंप्रूव कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये नया मौका था, नया अवसर था, जो मिलेगा वो बेहतर होगा। ओके, सो अब आप अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं, 2022 में उनका रिटायरमेंट हुआ है, थर्ड ग्रेड टीचर थे। और मेरे बड़े भाई साहब हैं जो एलडीसी थे, अभी उनका डीपीसी हुई तो जल्दी वो यूडीसी हो जाएंगे। मदर मेरी हाउसवाइफ है, और हम पांच भाई बहन हैं, और खेत में ही रहते हैं, और शानदार वातावरण है वहाँ का। गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ, गाँव से 4 किलोमीटर दूर ढाणी है, वहीं पर हमारा निवास। सो अब आप अपनी जर्नी को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आप अपने बचपन से स्टार्ट कीजिए, और अभी आप आरएस में सिलेक्शन ले लिया है आपने फर्स्ट पहले प्रयास में, तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बताएं। आनंदपूर्ण रहा है पूरा सफ़र, शुरुआत ही बेहतरीन हुई है जीवन की। उन ढाणियों में जहाँ बचपन में एंजॉय किया करते थे, पास में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई की, दोस्तों के साथ वहीं के दोस्त बने और विस्तृत दोस्त हैं, उनमें से कई आज भी बकरियाँ चलाते हैं, ऊंट गाड़ी चलाते हैं, कई दोस्त हमारे साथ सर्विस में आ गए हैं, तो विविधतापूर्ण जीवन रहा। वहाँ से बज्जू आना, बज्जू से फिर बीकानेर आना, बीकानेर से जयपुर आकर के बीटेक करना, बीटेक के दौरान भी खूब अच्छे दोस्त बने जिन्होंने मुझे मेरे नॉलेज को लगातार इनरिच किया, मेरे से कनेक्टेड रहे, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, अच्छी अच्छी सर्विस में भी हैं। उसके बाद ये सिविल सर्विस की जर्नी जो 2019 में चालू हुई, ये आरएस की मेरे लिए पहली वैकेंसी थी। ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं है, पर 3-4 साल उसमें लगे वैकेंसी को पूरा होने में, जो नॉर्मल सर्किल था। और 26 साल की एज में यहाँ पर खुद को पाना बहुत अच्छा अनुभव है। तो आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया था? ये मैंने बीटेक 18 में कंप्लीट किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने जयपुर के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज से। 18 में पास आउट होने के बाद 19 तक मैं छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, जो अदर एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव। 19 में जब मेरे बड़े भाई की एलडीसी में ज्वाइनिंग होगी, तो उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मुझे अब आरएस के लिए ट्राई करना चाहिए। तो आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है? नहीं, जनरली मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि फादर गवर्नमेंट टीचर रहे, और उसके बाद जब मैंने आरएस की तैयारी चालू की, उसके बाद मेरे ब्रदर भी सर्विस में थे, घर में तो गवर्नमेंट जॉब हो तो फाइनेंशियली तो इशू आता ही नहीं है। और आपने आरएस के अलावा और कौन कौन से एग्जाम दिया, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था? हाँ, मैंने यही है कि मैं 18 के बाद ये तय कर लिया था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में आना है, तो उसके लिए जो भी एग्जाम मुझे सामने नजर आया वो दिया। रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के हो, स्टेट के जो भी एग्जाम हो, पटवारी का है, ग्राम सेवक का है, इवन एसएससी ट्राई किया, 2 यूपीएससी भी ट्राई किए इन बिटवीन आरएस के साथ ही, और अंततः आरएस भी ट्राई किया। अच्छा रहा कि आरएस का एक अटेम्प्ट लगा। ओके, सो इतनी असफलताओं के बाद आपने सफलता अर्जित की है, तो वो जो असफलताएं थी उस टाइम पर बहुत खटकती है, लाइक कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो आपने उनसे कैसे ओवरकम किया? देखिए, ये असफलताएं कहा जाए ऐसा गलत है, होता ये कि हर एग्जाम आपसे एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी मांगता है। आप तैयारी आरएस की कर रहे हैं, साथ में एग्जाम पटवारी या ग्राम सेवक का देने जाएंगे, आपको उम्मीद है कि वो निकल जाएगा, ऐसा होता नहीं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे आरएस की कर रहे हैं, हर जगह बराबर मेहनत लगती है,
बिना तैयारी के आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो प्री बीएसटीसी का क्यों ना, वो नहीं निकलेगा। यही मेरे साथ हो रहा था। मैं तैयारी आरएस की कर रहा हूँ, एग्जाम पटवारी का दे रहा हूँ, ग्राम सेवक का दे रहा हूँ, नहीं निकल रहे थे। और साथ में वो मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन कर रही थी कि मेरा इसमें क्यों नहीं हो रहा। वास्तविकता ये है कि आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। आप कंसाइज होकर के तैयारी करिए, उसी में फायदा है। वैकेंसी के पीछे लगातार लगे रहेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और सर अभी आप क्या कर रहे हैं? अब सिलेक्शन के बाद से तो वही खुशनुमा माहौल है। अच्छी बात यह है कि मेरे अधिकतर साथी सिलेक्शन के बाद ऑलरेडी जो सर्विस में थे उसी सर्विस को ज्वाइन करके बैठे हैं, तो वो आनंद नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे जैसे जो विशुद्ध बेरोजगार लोग हैं उनके लिए तो आनंद का टाइम है। 2 महीने मिले हैं, आनंद कर रहे हैं, मौका मिलता है, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। अभी जिस दिन मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी JLF चल रहा है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो कल मैं वहाँ था, JMS में था, जयपुर म्यूजिक स्टेज में। तो वो जो भी आनंद करने का, खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। किताबें पढ़ने का शौक हुआ करता था, नहीं पढ़ पाए पहले, उन्हें पढ़ रहे हैं। इन्हीं सोच में जाने का टाइम नहीं मिल पाता था, वहाँ जा रहे हैं, स्पोर्ट्स को इनरिच कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, कबड्डी देख रहे हैं। तो जितना हम एक्सप्लोर कर सकें, ऐसा कहा जाता है हमारे बारे में, इन सर्विसों के बारे में, कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तब से लेकर के और जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उसके बीच का जो फेज होता है, ये लाइफ का सबसे गोल्डन फेज होता है। ये गोल्डन फेज इसलिए होता है कि आप में से कई लोग जो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा कि ये गोल्डन फेज क्यों होता है। सर्विस में जाने के बाद आप पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्टी के साथ, निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। और सर्विस में आने से पहले आपको तैयारी करनी होती है। ये वो फेज होता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ना आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी आप अपने जगह के बादशाह हैं, आजाद आनंद करिए, आजाद परिंदे हैं। ओके, आरएस में सिलेक्शन लेना है या फिर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो ऐसी कौन सी 3 क्वालिटी है जो उन स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए? मैं तो मानता हूँ 3 नहीं, ये मल्टी क्वालिटीज है, बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली है ऑनेस्टी विद योर टारगेट। आपको अपने जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसके साथ ईमानदारी से काम करना होगा। इसकी शुरुआत होती है लक्ष्य निर्धारण से। समस्या ये है कि जब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और मैंने नोटिस किया है कि उसमें स्थिति ये नहीं है कि आपको इशूज हैं। जैसे जनरली मेरे फाइनेंशियल इशू कम रहा, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके ये इश्यूज नहीं आते। इशू आता है सोचने का। कहते हैं कि आपने जिस दिन सोच लिया वो आपकी आधी जीत हो गई है। तो पहले आप तय करिए आपको लाइफ में क्या करना है, आपके गोल डिफाइंड होने चाहिए। ये भटकाव जीवन में नहीं चलेगा कि मैं कभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, कभी फर्स्ट ग्रेड की, और किसी दिन मैं किताब उठा के आरएस की कर रहा हूँ, ये नहीं करना। लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, आप अपने लक्ष्य पर रिजिड रहिए, पहला आपको ये करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारण के बाद आप लगातार मेहनत करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ। आपको ईमानदारी दुनिया के साथ नहीं दिखानी है, खुद के प्रति दिखानी है। यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं, इसका मतलब आप पूरी दुनिया के प्रति ईमानदार हैं। और तीसरा और जो ज़रूरी है वो धैर्य, टेम्परेंस। धैर्य क्यों ज़रूरी है? 2021 की भर्ती है, 21 में फॉर्म ओपन हुए थे, 21 में प्रीलिम्स दिया है हमने, 2022 में मेंस दिया है, 2023 में इंटरव्यू दिया है, 23 के एंड में जाकर रिजल्ट आया है, और 24 में ज्वाइनिंग मिलेगी। ये 4-5 साल के जो साइकिल हैं चलते रहेंगे, आपको धैर्य बना करके रखना है। यदि मैं मेंस से 5 दिन पहले, प्रीलिम्स से 5 दिन पहले, या इंटरव्यू से 1 महीना पहले टूट जाता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो आप मान के चलिए आपने जो लक्ष्य तय किया है, हार्ड वर्क कर रहे हैं रेगुलरली उस लक्ष्य के लिए, तो आपका वहाँ पहुँचना तय है। आपको टूटना नहीं है, धैर्य बना करके रखना है। जैसा कि आपने बोला टूटना नहीं है, वो टूटते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है कि अगर इसमें नहीं हुआ, क्योंकि हमने 4 साल दे दिए, 2-3 साल हो गए इसके अंदर, 4 साल होने वाले हैं, तो वो डर होता है, उसको कैसे कम्पीट करें? पहली बात तो ये डर होना नहीं चाहिए। डर इसलिए नहीं होना चाहिए, मेरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, आरएस ही सब कुछ नहीं है। ये आपके माइंड में क्लियर कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस ही सब कुछ ऐसा नहीं है। ये एक सामान्य सी नौकरी है जहाँ जाकर के आपको आनंद आता है, जिम्मेदारियाँ मिलती है, आपको काम करके आनंद आता है। वास्तविकता तो ये है, और हम ये माहौल ऐसा ओरा क्रिएट कर लेते हैं कि ये सब कुछ है, हम टूट जाते हैं। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि परिणाम क्या आएगा। आप निष्काम कर्मयोग जो आप एथिक्स में पढ़ रहे हैं वही तो आपको करना है। आप अपना काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा, वो जल्दी ही मिलेगा। और आपने आरएस की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से की या फिर कोचिंग से? मैंने स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, वहीं से क्लासरूम स्टूडेंट रहा, मैंने क्लासेस ली, टेस्ट सीरीज लिखी, उसी के थ्रू मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, उसी को रेगुलरली मैंने फॉलो किया था। ओके, और अब आप अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी को शेयर करें, प्री मेंस और उनको। मैं तीनों फेज में स्ट्रेटजी को शेयर करूँ, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। खैर इंटरव्यू वाली स्ट्रेटजी में ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ अच्छा कैंडिडेट नहीं रहा हूँ, मेरे 43 मार्क्स रहे आउट ऑफ 100, इट मीन्स मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस, और जिसमें भी स्पेसिफिकली मैं मेंस की स्ट्रेटजी ज़्यादा शेयर करूँगा क्योंकि मेरा मेंस में स्कोर अच्छा रहा है। मेंस में मेरी ऑल ओवर 4th रैंक रही थी। मार्क्स कितने? 391.50 मार्क्स रहे हैं, अच्छे मार्क्स रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस मेरा मेंस वाली स्ट्रेटजी पर रहेगा। प्रीलिम्स में ये है कि आपको फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि आप PYQ उठाइए, पुराने प्रश्नों को देखिए, एनालाइज करिए प्रश्नों को, क्या पूछा जा रहा है। मार्केट में दिशा के नाम से कई बुक्स आती है जिनमें आपको पुराने प्रश्न मिल जाएंगे,
आप पुराने प्रश्न उठा के देखेंगे कि एक पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आरपीएससी प्रश्न पूछती है। हर टॉपिक के कुछ सेगमेंट होते हैं जिनको बार बार पूछा जा रहा है। यदि आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ढंग से रिवाइज करते हैं, आप जहाँ भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ के क्लास नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो प्रीलिम्स आपके लिए एक स्टेज है जिसको पार करना है। दूसरी बात, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके आगे एड ऑन नहीं होते हैं, आप एक बार कट ऑफ को पार करिए, आगे बढ़ चुके हैं। अब सारी लड़ाई है जो मेंस की है, क्योंकि आरएस की परीक्षा 900 नंबर की होती है, 800 का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू। और इंटरव्यू अनप्रडिक्टेबल है। अनप्रडिक्टेबल इसलिए है कि इंटरव्यू कितनी लेंथ पे चलता है, आपका कौन सा बोर्ड बैठता है उसके अकॉर्डिंग तय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू 9 मिनट चला, अब वो 9 मिनट मेरे 100 नंबर जज कर रहे हैं तो ईजी नहीं रहता। हमारे कई साथी हैं जिनके 41 मार्क्स हैं, 42 हैं, कईयों के 78 हैं, तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है जहाँ आप इतना प्रडिक्टेबल नहीं हो। आप प्रडिक्टेबल हो मेंस में, जो 800 नंबर का है, चार पेपर 200 नंबर के, उसके लिए आप तैयार रहिए। अब मेंस में क्या चाहिए, कई लोग मेरे को आकर के कहते हैं कि आप तो कहते हो कि आपने मेंस ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 6 महीने लगभग दिए होंगे, उसमें आपकी मेंस की तैयारी होगी। वास्तविकता है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, मेरी तैयारी मेंस की 6 महीने की नहीं है। मेरी 26 वर्ष की उम्र है, तो पिछले 20 वर्ष से मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। आप में से कई लोग पूछेंगे 20 साल से कैसे तैयारी कर रहे हैं, 6 साल का बच्चा कैसे आरएस की तैयारी चालू कर देगा। सिंपल तरीका, बचपन से मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैंने अपने नॉलेज को एनरिच किया है। मेरे सोर्स हमेशा बीबीसी को, आकाशवाणी को लगातार सुना, चाहे वो मैंने अनायास ही सुना इसलिए नहीं था कि मेरा उसमें इंटरेस्ट था, अल्टरनेट नहीं थे। आपको क्रिकेट की कमेंट्री सुननी है तो उस जमाने में आकाशवाणी के अलावा कोई बेहतरीन विकल्प था नहीं। बाद में पता चला कि ये चीज़ें बच्चे आकर के तैयारी के दौरान करते हैं। बच्चों को यहाँ आकर के सिखाया जाता है, अखबार को पढ़िए, आकाशवाणी को सुनिए, बीबीसी को सुनिए, हो सके तो संसद टीवी को फॉलो करिए या पार्लियामेंट टीवी जिसको बोलते हैं आप उसको फॉलो करिए। ये चीज़ें मेरे साथ नेचुरल थी, पहले से थी, बचपन से थी। इसमें बड़ा रोल मेरे पिताजी का है। पिताजी के शौक अच्छे थे, उन्हें बीबीसी सुनने में आनंद आता था, उन्हें आकाशवाणी सुनने में आनंद आता था। वो लत मेरे में पड़ी, मेरे भाई में पड़ी, उनका हमें फ़ायदा हुआ। तो मेरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट पेरेंट्स के लिए है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी आदतें आपके बच्चों की आदतें होती है। आपको लगता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए अरेंज करके अच्छी कोचिंग से तैयारी करवा सकता हूँ, मेरा बच्चा आईएएस या आरएस बनके लौटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके संस्कार, आपके द्वारा किए गए कार्य ही बच्चों को आगे काम आते हैं। जो आप कहते हैं लक फैक्टर ये वगैरह, ये कहाँ से तय होता है? आपके कर्मों से तय होता है। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो चीज़ें आगे अच्छी नहीं होगी। आप अपने आप को क्रिस्टल रखिए, साफ रखिए, वो चीज़ें बच्चों के काम आएगी। तो वही जो स्ट्रेटजी में बता रहा था कि मैंने जो अखबार को फॉलो किया, आकाशवाणी को सुना, संसद टीवी को सुना, अवेयर रहा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, उसका फ़ायदा मुझे मेंस में लिखने में मिला। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये कि मेरे फादर राजस्थानी के राइटर हैं, तो मेरे फादर साहब को लिखने का शौक रहा, उन्होंने मुझसे लिखवाया, तो मैं बचपन से ऐसे लिखने का शौकीन रहा हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। तो उन लिखने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि लेखन शैली क्या होती है, कहाँ आपको प्रोज का यूज करना है, गद्य पद्य का जो मिश्रण होता है जिसको आप चप्पू शैली कहते हैं, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं आंसर राइटिंग में, वो आपके काम आता है, वो आपको इनरिच करता है, वो आपको बाकी बच्चों से अलग करता है। क्योंकि आप जिन नोट्स को पढ़ रहे हैं उन्हीं नोट्स को अधिकतर दुनिया पढ़ रही है, आपके आसपास की दुनिया, जैसी आपकी तैयारी वैसी बाकी लोगों की तैयारी है। आप अपने आप को मेंस में अलग कैसे करेंगे, अपने साइड नॉलेज से। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए, आप जिस एरिया से आते हैं उसके बारे में आपको अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए, आप जिस पंथ संप्रदाय से आते हैं उसके बारे में आपको अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं जिस एरिया से आता हूँ, ये बज्जू वाला जो एरिया है, बिश्नोई बाहुल्य एरिया है, जाम्बू जी के अनुयायी हैं सब लोग, तो मेरे एरिया की खास बात ये कि बच्चा जाम्बू जी के बारे में अच्छे से जानता है। अब मुझे गुरु जम्बेश्वर के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ के आसपास के बच्चे मुझे 1000 बातें बता देंगे। ये होती है अवेयरनेस। आप जिस एरिया से आते हैं, वहाँ का कोई समुदाय है, पंथ है, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप जहाँ क्षेत्र के बारे में आते हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके जो ये बेसिक जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से कवर रहेंगे। तो फिर आप आकर के तैयारी करेंगे तो आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएगी जितनी अन्य विद्यार्थी को आती है। ये नहीं कि बच्चा आकर के सामान्य चीज़ें पूछ रहा है कि सर ये क्या होती है। अब कोई बच्चा आके पूछे खेजड़ी क्या होती है, ये विडंबना है कि आप राजस्थान में होकर के भी खेजड़ी को नहीं जानते। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, आपको जो जनरल चीज़ें हैं इनके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब कई बच्चे वो देख रहे होंगे जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं कि हम क्या करें। आप इन चीज़ों को अपने बिहेवियर में लेके आइए। आप एक अखबार डेली पढ़िए, हो सके तो उसको फॉलो करिए, अपने आसपास में क्या बीत रहा है उनके बारे में फॉलो करिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि पापा ये चीज़ जो घटना घटी है इसका क्या रिलेवेंस है, क्या उपयोग है, ये कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है। कई नए डायमेंशन खुलते हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में, उसके बारे में कि इससे क्या डायमेंशन आएगी, नए बच्चे पूछते हैं, छोटे बच्चे पूछते हैं, तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा इससे धार्मिक टूरिज्म आएगा, धर्म आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो एक नई डायमेंशन खुली। तो ऐसी जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, ये आपको हेल्प करती है मेंस में। ये 800 नंबर की जो लड़ाई है ना, ये विस्तृत लड़ाई है, आपकी बचपन से शुरू होती है एंड तक आती है। अब बचता है 100 नंबर का लास्ट सेगमेंट, इंटरव्यू, सबसे अनप्रडिक्टेबल। उसके लिए भी आपको अखबार काम आता है, करंट अफेयर काम आता है,
मैं दोबारा कहूँगा, मेरे भले काम ना आया हो, पर जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की थी, बढ़िया प्रैक्टिस की थी, अच्छे खासे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जा करके, उन्हें फ़ायदा होता है। जब इंटरव्यू बोर्ड की यूँ मान लीजिए कि अच्छे मूड में है, तो आपको उनको फ़ायदा भी मिलता है और उसके नंबर भी मिलते हैं। ओके सर, सो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उनके अंदर बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही नोट्स पढ़ लो, लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप आरएस के अंदर आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, आप उनके नाम बताएं। बुक्स के लिए सर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैं स्प्रिंग बोर्ड का क्लासरूम स्टूडेंट रहा, तो मैंने उनके क्लास नोट्स को फॉलो किया। क्लास नोट्स के अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैं फॉलो करने के लिए जो सर गाइड करते थे, उन्हीं को फॉलो किया। जैसे राजस्थान बोर्ड की 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं, जिनमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट दिया गया है, ये बेहतरीन किताबें हैं, हमें एक थ्रू आउट राजस्थान के बारे में अच्छी जानकारी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कोर सब्जेक्ट, जैसे आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो 11वीं 12वीं की जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं प्राचीन इतिहास के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए। इसके अलावा एक फाइन आर्ट की किताब आती है 11वीं की एनसीईआरटी की, उसको आप फॉलो करेंगे तो ललित कला के बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी, कि जहाँ से आपके आर्किटेक्चर के प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में। वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एक अपने जो 12th की एनसीईआरटी की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के सेगमेंट के लिए आपको अधिक बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो क्लास नोट्स होते हैं वो सफिशियंट होते हैं। आप चाहें तो 11वीं की नई एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपसे करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है, तो इकोनॉमी को जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं वहाँ आपको अपडेट करवाया जाता है। ऑथेंटिक सोर्सेज के लिए जो है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसको आप फॉलो करिए। आप जब भी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले जो भी नई स्कीम्स लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के जो नए इनिशिएटिव हैं, उनको आप एक बार रिवाइज करके जाइए। इसके अलावा पॉलिटी हिस्ट्री के बाद साइंस और टेक के सेगमेंट पे आएँ, तो साइंस में आपके जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ के कोचिंग नोट्स को अच्छे से फॉलो करिए, हर जगह अच्छे से करवाया जाता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी डे बाई डे अपडेट हो रहा है। अब टेक में आपको वही सेगमेंट पूछे जा रहे हैं पेपरों में जिनकी रेलिवेंस बढ़ी है समय के साथ में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जो पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा कि 5G क्या है, यही चीज़ें मुख्य परीक्षा में हमारे से पूछी गई है, आपसे भी पूछी जाएगी। तो टेक के लिए आप अखबार को पढ़ रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आपको टेक की नई डायमेंशन, टेक के फील्ड में क्या हो रहा है आपको पता होगा। ज्योग्राफी के साथ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी पूछते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मोहित जी ऐसा कहना चाहूँगा कि पूरा करंट ओरिएंटेड है, आपके आसपास की जो भी घटनाएं घट रही है उनके बारे में अवेयरनेस से आपको पता चल जाएगा। जैसे जो नहरी एरिया से आते हैं तो उन्होंने नोटिस किया होगा ट्यूबवेल वाले क्षेत्र में लगातार तापमान गिर रहा है, यानी ठंड भयंकर पड़ती है वहाँ पे। कारण क्या है? नहरी क्षेत्र, पानी होना। और ये पानी आने से एक बदलाव कैसे आए, ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये पोल्यूशन क्या होता है, आप सर्दियों में देखते हैं कि शहरों में कोहरा छाया रहता है, एयर पोल्यूशन, तो ये जनरल चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, यही आपसे पूछी जाती है। इन चीज़ों को अच्छा करने का सोर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अखबार है। जितना आप अखबार को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये घटना है क्या, इनसे लड़ने के लिए, इनसे इनको इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या प्रयास करती है, वो भी आपको पता चल जाता है। ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट हैं जो 5-6, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे ही छोटे सब्जेक्ट आपके सिलेबस में, जैसे सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी में आपसे वही पूछा जा रहा है जो आपके अराउंड सराउंडिंग में हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है। जैसे महिलाओं की जो उम्र है विवाह की, उसको बढ़ाने पर प्रपोजल आया था, ये चीज़ पूछी जा रही है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके आसपास घटना घट रही है, जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में पूछ रहे हैं, तलाक के विद्युत के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये क्या है? ये वही घटना है जो आपके आसपास में घट रही है या आपके समाज को प्रभावित कर रही है। ओके सर, और आपको क्या लगता है, बिना आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के आरएस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जाता, बिल्कुल ही नहीं किया जाता। आंसर राइटिंग के बिना संभव नहीं है ना, आपको वहाँ चार पेपर लिखने हैं मुख्य परीक्षा के, तो आप कैसे लिखेंगे यदि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है? आप 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, आप आंसर की स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। तो आंसर राइटिंग तो मस्ट पार्ट है, आपको कंपल्सरी पार्ट है, करना ही है। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, लगातार 20 से 25 टेस्ट जितने भी होते हैं उनका आप लगातार ऑनेस्टी के साथ लिखिए। इसके मैं जीवंत उदाहरण है कई बार शेयर कर चुका हूँ, 2 उदाहरण है मेरी पर्सनल लाइफ के आंसर राइटिंग के। 23 जनवरी 2022 मेरी रियल सिस्टर की शादी थी, 22 जनवरी 2022 को मेरी कोचिंग में टेस्ट पेपर था, मैंने टेस्ट पेपर लिखा, उसके बाद मैं घर गया, शादी अटेंड की। 31 जनवरी को मेरे फादर का रिटायरमेंट था, 31 जनवरी 2022 को, और 30 जनवरी को मेरा टेस्ट था, मैंने टेस्ट लिखा तो मैं फादर साहब के रिटायरमेंट के प्रोग्राम में नहीं गया। तो ये क्लियरिटी ये है कि आप आंसर राइटिंग आपके लिए मैटर करती है, टेस्ट सीरीज मैटर करती है, आपके लिए डेडिकेशन मैटर करता है। आप पेपर तक या पेपर के पास के जो 2 या 3 महीने हैं उस टाइम मत भटकिए अपनी तैयारी से, क्योंकि ये जो सामाजिक जो प्रोग्राम है परिवार के, ये होते रहेंगे। आपकी सफलता ज़्यादा ज़रूरी है कि सामाजिक प्रोग्राम ज़रूरी है? आपको लाइफ में प्रायोरिटी तो तय करनी पड़ेगी। कई लोग आकर के बोलते हैं कि मेरे मित्र की शादी है, मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए मित्र की शादी में,
पर सोचिए 7 दिन या 10 दिन बाद आपका पेपर है, पेपर से ज़्यादा जरूरी आपका मित्र नहीं है। जब तक किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते तो वो बहुत बड़ी लगती है, और क्लियर करने के बाद जाहिर सी बात है वो आपको भी छोटी लग रही होगी, ठीक है, छोटा नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मल लग रही होगी। सो आपकी सोच पहले क्या थी आर एस एग्ज़ाम के बारे में और अब क्या है? ये सेल्फ ट्रस्ट की बात होती है, खुद के ऊपर विश्वास की बात होती है। अब विद्यार्थी जब तैयारी कर रहा होता है उसे एक सेल्फ डाउट जो रहता है ये खुद के ऊपर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस कंपटीशन को देख रहा है, उस रस्सी पे चल रहा है कि उसके इधर उधर देखे तो वो चौंक जाएगा कि 6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और केवल 2-2.5 हज़ार लोगों का इंटरव्यू कॉल होना और फाइनल सेक्शन तो केवल 1000 लोगों का होना है, तो उसे डर लगता है। पर ये रस्सी के ऊपर चलने के समान है, आपने नीचे देखा इधर उधर देखा तो आप गिरोगे, बेहतर है कि आप इधर उधर देखिए मत, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड रहिए, तैयारी करते रहिए। आउटकम के बारे में सोचना चाहिए बिल्कुल, पर एक टाइम के बाद में। जैसे मैं, मेरा पहला अटैम्प्ट था कि कई लोग पूछते हैं आप फेल होते तो क्या करते, मैं फेल होने के बाद सोचता कम से कम मैं एक अटैम्प्ट तो दूँ। ये ऑनेस्टी विद्यार्थियों को लानी चाहिए अपने शुरुआती जीवन की तैयारी के 2-3 साल ऑनेस्टी के साथ दीजिए उस तैयारी को, उसके बाद आप प्लान बी के बारे में सोचिए। आपको डे वन से प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है, स्टिल कंसेप्ट रहना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है, नहीं होगा तो मैं बाद में देखूंगा। तो सेल्फ डाउट वाली बात होती है, होने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे जैसा अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। ओके सर, अब आपकी तरफ से कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए कि वो अपनी प्रिपरेशन को ईजी कर सकते हैं? प्रिपरेशन को ईजी करने के लिए यही तरीका है कि आप स्मार्ट तकनीक को अपनाइए, ज़्यादा अपने आपको हार्ड एंड फास्ट टूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो तैयारी नहीं जहाँ आपको 12 घंटे 15 घंटे डेली पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ रहे हैं आप, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको लगातार पढ़ना है। आँख आपको खुली, आँख और आपके कान खुले रहने चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। और पढ़ते टाइम ऐसा मत करिए कि आप केवल ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं, आप अपने पीवाईक्यू को फॉलो करो, पेपर के पैटर्न को समझो, उसको समझ करके यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके सफल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तभी मैं पहले पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहा था कि आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है आंसर में, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, क्या जो मैं लिख रहा हूँ क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि इस आइडियोलॉजी के साथ आप तैयारी करोगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं बेहद अधिक है। ओके सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद रोहित जी, मोहित जी। सो आई होप आपको सर का इंटरव्यू पसंद आया होगा, सर की जर्नी, सर ने बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को ईजी कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।